दैट इज़ स्टिल अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, बिकॉज इनसे जो रिकवरी हुई है इन्होंने बताया है कि यही हमने लाया है। अलबत्ता कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं जो फोर्थ एक्यूज के पास होंगी, इट विल टेक सम टाइम, अभी उसको डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे, बट सडनली जैसे ही वो चौथा एक्यूज मिल जाएगा उसके बाद ये सारा क्लियर हो जाएगा कि टोटल कितना सामान गया था और कितना रिकवर हो पाया है। सर और भी कितनी चोरियां जो हैं वो हो चुकी हैं और उन पे किस तरीके से काम चल रहा है, किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन? मैं आपकी जानकारी के लिए ये बताना चाहूँगा कि इस तरह के जो भी इंसिडेंट होते हैं दीज आर बेसिकली बड़ा स्ट्रॉन्ग, हमारे लिए बड़ी रिजेंटमेंट बनती है क्योंकि पब्लिक का ट्रस्ट होता है, पब्लिक की अपनी मेहनत से हार्ड अर्न मनी होता है, वो कोई उनकी मर्ज़ी के बिना आके चुरा के ले जाए तो उसमें हम समझते हैं हम ज़ाती तौर पर उस पर ज़िम्मेदार हैं, कोशिश करते रहते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में काफ़ी इंसिडेंट सॉल्व भी हुए हैं, चाहे वो सुंदरवनी काला बैंक लूटिंग इंसिडेंट हो या पिछले दिनों नौशहरा में एक चोरी हुई थी वो था काला कोट वाला था। ये कोशिश J&K पुलिस की, हमारी टीम तो कोशिश कर रही है, तो कोशिश से फ़ायदा तो आ ही रहा है। सर क्या कहेंगे कि ये जो चोर है ये जब चोरी करते क्या है वो ड्रग्स लेकर करते हैं, कुछ ऐसा है सुनने में और चाहे कोई दिखाई? देखें ऐसे इंसिडेंट केस स्टडीज़ के तहत तो सुनने में आते हैं, बट यहाँ तक इन तीन चोरों का ताल्लुक है ये सारे पैसों के लिए किया है, कोई ड्रग एंगल इसमें दिखा नहीं है। हमने उस पर काफ़ी वर्क किया है, कोई उस तरह का एंगल है इसमें कि नहीं, बट अभी तक उस तरह का कोई एंगल सामने नहीं आया है। सर ड्रग्स को लेकर किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस जो है और खासकर नौशहरा पुलिस किस तरीके से काम कर रही है? देखिए मैंने आपको पहले भी एक बार रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारे आंख और कान बने, ड्रग्स के रिलेटेड कोई भी उस तरह की अगर आपके पास इंफॉर्मेशन या कोई आती है तो प्लीज़ आप पर्सनली भी इन्फॉर्म कर सकते हैं हमें। जहाँ तक हमारे एक्शन की बात है तो पिछले 7-8 महीनों में हमने 3 FIRs अभी तक दी हैं, जिसमें तीनों FIRs में हमने सब्सटैंशियल अमाउंट में नार्कोटिक सब्सटेंस, हीरोइन टाइप सब्सटेंस को सीज़ किया है उनकी उनसे, और उसमें FIR लगी हुई हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बताऊँगा वो एक्यूज्ड अभी भी जेल में है और उनका चार्जशीट भी हमने कर दिया है। सर बवाइन स्मगलिंग को लेकर किस तरीके से पुलिस जो है वो हरकत में? देखिए बवाइन स्मगलिंग में जो भी कानूनी कार्रवाई है हम करते रहते हैं, आज की डेट में इस ज़्यादा इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं बिकॉज रोड बंद हैं बर्फ़ की वजह से। अलबत्ता जो भी इंसिडेंट होता है हमारी जानकारी में आता है उसमें जो भी कार्रवाई बनती है हम करते रहे हैं और हमारा ग्राफ उसमें बड़ा बेहतर है। सर कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि पुलिस जो है वो अपना काम करती है और कई बार चोरों को पकड़ने जाती है और जनता जो है कई लोग जो हैं उन्हीं के वो उनको शटर करते हैं, किस तरीके का जनता को मैसेज देंगे? देखिए मैं आप सबकी माध्यम से वो उनको शटर करते हैं किस तरीके का जनता को मैसेज देंगे? देखिए मैं आप सबकी माध्यम से ये बताना ज़रूर चाहूँगा कि किसी की भी चीज़ अगर हार्ड अर्न किसी का कमाई हुई चीज़ को कोई उठा के ले जाएगा ये बड़ी दुखद बात है, मेरे साथ भी हो सकता है। अगर कोई इस चीज़ में किसी को शेल्टर करेगा कल उनके साथ भी इस तरह का इंसिडेंट हो सकता है, दिस इज़ ए सोशल क्राइम। तो इसमें हमें सबको एक दूसरे का साथ देना चाहिए कि जिसका पैसा है जिसने कमाया है उसको वही इस्तेमाल करे, कोई चुरा के ना ले जाए। सर 13 दुकानें जो है वो एक ही बार और एक ही रात को लूटी गई है, आगे का किस तरीके का पुलिस का रवैया रहेगा इनको लेकर कि इस तरीके की आगे जो परेशानी है वो लोगों को ना आए, इस तरह की दुकानें आगे ना लूटी जाए, क्या कहेंगे इसको लेकर? इससे तो इसके लिए मैं व्यापार मंडलों से भी रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा बहुत अपना इवनिंग वॉचमैन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एरिया में बढ़ती जाती हैं, एरिया रिच होता जाता है, उसी तरह से हमारी भी ज़रूरतें बढ़ जानी चाहिए। सिमिलरली चोरी होने के आसार भी बढ़ जाते हैं, ज़्यादा दुकानें इकट्ठी हैं, तो वहाँ पर CCTV कैमरे भी लगाने चाहिए। हमने उनसे रिक्वेस्ट भी की है, हम अपनी भी गश्त बढ़ाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत आपको इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। 1-1.5 महीने में ही 13 दुकानों के चोर हमने पकड़ लिए हैं, ये चोरी का केस सॉल्व कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं मेरे इन अफसरों की, हमारी टीम की, SHO कालाकोट, इन सब के एक्स्ट्रा एफर्ट्स की वजह और पर्सनल इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही हुआ है। उसके लिए हम आप लोगों का और इन सब का बहुत बहुत शुक्रगुजार भी करते हैं। थैंक यू सर। देखिए जो आज यहाँ पे तारिक साहब ने यहाँ पे इनिशिएटिव लिया है, ये एक मैसेज है टू द यूथ कि देखिए जो हम लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे या जॉब्स के पीछे हम लोग लग जाते हैं, एक इनिशिएटिव जो एक यूथ यहाँ का ले रहा है एंड खुद एंटरप्रेन्योरशिप में आ रहे हैं, इट इज़ अ मैसेज फॉर अदर यूथ्स आल्सो। हमारे होनहार
दोस्त छोटे भाई तारिक साहब ने आज यहाँ अपनी बिजनेस का इनॉग्रेशन किया। इनफैक्ट इन्होंने बहुत एक अच्छा सेक्टर चूज़ किया है। इस सेक्टर की हमारी शीप हस्बेंड्री की जो पोटेंशियल है यहाँ 2000 करोड़ की इंडस्ट्री है जो अभी भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो फीडिंग फिलहाल सप्लाई कर डायरेक्ट फार्मर्स दिन अच्छे तूत तूफान यूत हम दुकानदार द्रोग तूत माल द्रोग कह वे पुन ये असल ब्रीड यह शीप से सप्लाई कर फ्रेंड सो चार्टर्ड बैंक टीम मैनेजर तम सुंद सो चार्टर्ड बैंक त्रावित तम लोग गौ फार्म चला इज माई फ्रेंड एज वेल एज ब्रदर मे दुप ये यूत क्वालिफाइड ऐसे टीम मैनेजर एम बी ए कर लड़के त्राय डायरी फार्म तो बुस गो तम चीजन कर्स बहुत इम्रेस कि तवे लोग मे हाथ हमरे फीडिंग सिस्टम ऑल फीड्स सतन चूंकि अगर वो बहुत अपील कर जवान अगर तुम मे तरफ कह हेल्प आरत कुन तिजनस कुन तेक्टरस मे बहुत अपील कर तुम हेकन मे सत्य रबत कर मोन नंबर 7006888268600।